नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रमजीत सिंह, आपका हमारे YouTube चैनल डिजाइनर ट्रक मॉडल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम इस वीडियो में आपके सामने टाटा गाड़ी के डैशबोर्ड की बात करेंगे कि हम जो है डैशबोर्ड कैसे रेडी करते हैं। तो ये आप जो रिव्यू देख रहे हो, ये हमारी वर्कशॉप के प्रोजेक्ट का रिव्यू है। तो इसी में हम जो है वीडियो बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम वीडियो की शुरुआत करवाते हैं। तो ये आप सामने देख सकते हो, गाड़ी जो है फाइबर से रेडी होती है सारी। टायर जो देख सकते हो आप, लकड़ी के तैयार होते हैं। और डैशबोर्ड जो है गाड़ी का, बम्पर वगैरह जो है वो सब आपको आज रिव्यू करवाएंगे। और फ्रंट से शुरुआत करवाते हैं। तो ये आप सामने से डैशबोर्ड गाड़ी का देख सकते हो। और डैशबोर्ड जो है हम फाइबर से बनाते हैं। और उसमें आप देख सकते हो जो शेड है, हवादानी जो है हमने काट कर बनाई हुई है। और फ्रंट से आप जाली भी देख सकते हो, जाली जो है हमने फिर से ऊपर, हम इसके ऊपर काम करेंगे। और सामने आप देख सकते हो हवादानी जो है बहुत बारीकी के साथ हमने काट कर इसको लगाया हुआ है। और लाइट्स का काम आप देख सकते हो, लाइट जो है उसका भी शेड हमने निकाला हुआ है। और ऊपर जो है सारा जो है डिज़ाइन बनाया हुआ है, जहाँ जहाँ जो टाटा कंपनी जैसे बनाती है, इसके ऊपर हम जो फैब्रिक काम करेंगे दोबारा से। और नीचे बम्पर आप देख सकते हो, बम्पर को भी हमने फाइबर में रेडी किया हुआ है। और फोर एडलेस जो है गाड़ी में मिलेंगे आपको, 10 चक्का गाड़ी है। और ऊपर से आप देख सकते हो फ्रेंड्स, गुलाई जो है पूरी गाड़ी की करके दी है। ये आप देख सकते हो पूरा जो जैसे डैशबोर्ड जो है गुलाई होता है ऊपर से टाटा कंपनी का, तो वैसे हमने सेम टू सेम वैसा ही काम किया हुआ है गाड़ी में, ऊपर से आप देख सकते हो। और इंडिकेटर की जो ऑप्शन है वो ऊपर रहती है टाटा कंपनी में, और वो उसकी भी जो है शेड निकाली हुई है। और टायर जो है लकड़ी के बनाते हैं। और ये आप देख सकते हो इंडिकेटर की ऑप्शन जो है हम लगाने वाले हैं इस गाड़ी में। और अभी चेसिस का काम आप देख सकते हो। और ये आ गया गाड़ी का डीजल टैंक। और डीजल टैंक जो है वो भी हम फाइबर से ही बनाते हैं सारा, पूरी मेहनत और लगन के साथ जो है गाड़ी का काम होता है। और ये आप देख सकते हो पूरी गोलाई गोलाकार, आप देख सकते हो सारा जो टैंक है वो गोलाकार बनाया हुआ है। और साइड पे आप देख सकते हो वायर्स का काम, पाइपलाइन जो है गाड़ी में दी गई है। वहीं पीछे आप टायर देखते हो, गाड़ी के जो है एयर ड्रम जो है बनाया हुआ है नीचे, आप देख सकते हो 10 चक्का गाड़ी है। आप कंडक्टर साइड देख सकते हो, ये गाड़ी का एयर प्रेशर टैंक आ गया और स्पेयर टायर आ गया। और प्रेशर टैंक आप देख सकते हो, उसकी भी जो वायर निकाली हुई है। और चेसिस जो है वो पूरी की पूरी लकड़ी की रेडी होती है, लकड़ी के टायर लगते हैं। और डैशबोर्ड जो है पूरा मजबूती से बनाया जाता है, पूरा फैब्रिक काम होता है गाड़ी में। जब जैसे पूरा जो है फाइबर से, सारा का सारा काम जो है फाइबर से होता है। और पूरी जो है गाड़ी में स्पोर्ट जो है लगती है, यहाँ आपको आप दिखा रहे हैं हवादानी, आप जैसे अंदर से पूरी मेहनत और बारीकी के साथ जो है गाड़ी का डैशबोर्ड रेडी किया हुआ है। और पीछे जो है कैबिन का काम शुरू होगा। और फ्रंट पे आप जैसे हो, यहाँ पर जो है स्टेयरिंग आएगा, यहाँ पर सीट, और यहाँ पर बोनट आएगा गाड़ी का। और वायर्स का काम जो है इसके अंदर जो है लकड़ी के जो है ऊपर हमने सपोर्ट करके, और बीच में छेद निकले हुए ताजो हमें वायरिंग करने में आसानी हो जाए। और यहाँ पर नीचे हम जो है गाड़ी का फिल्टर लगाएंगे। फ्रेंड्स, चेसिस के काम का अगर काम अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको काम कैसा लगा है। वहीं साथ में हम आपको बताना चाहते हैं, कोई भी गाड़ी का आप ऑर्डर देना चाहते हो तो हमें कॉल कर सकते हैं। तो हर गाड़ी का जो है बखूबी जो है पूरी लगन और मेहनत के साथ जो है गाड़ी का काम होता है। और पूरी की पूरी आप मेहनत तो देख ही सकते हो, छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो हमने फाइबर से काट कर और गुलाई पूरी देख कर गाड़ी में पूरे तैयार किए हुए हैं। और बहुत ज़्यादा बारीकी वाला काम होता है गाड़ी को रेडी करने में, 10 से 15 दिन लग जाते हैं हर गाड़ी में,
क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स जो है वो खुद अवेलेबल करने पड़ते हैं, कोई पार्ट जो है वो अवेलेबल नहीं मिलता है। टायरों से लेकर डैशबोर्ड, चेसिस, सारा काम जो है, सारे का सारा जो है हैंडमेड जो गाड़ी बनती है, पूरी की पूरी जो है हाथ से रेडी होती है गाड़ी। और डैशबोर्ड की जो है हमने पूरी मजबूती की हुई है, ऊपर आप देख सकते हो लकड़ी का जो पैनल लगाकर उसको पूरी की तरह पूरी सेटिंग की हुई है गाड़ी की। और पूरे डैशबोर्ड की जो सेटिंग है वो आप देख सकते हो, पूरा जो है सामने की तरफ सीधा जो बनाया हुआ है कि बाद में जो है हमें कैबिन बनाने में कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए जो है पूरा प्रॉपर ध्यान दिया जाता है कि कोई भी डैशबोर्ड अगर गलत हो गया, डैशबोर्ड आगे पीछे हो गया, तो सारे का बॉडी का काम जो है और कैबिन का काम जो है वो सारा ख़राब हो जाएगा। और इसीलिए जो है पूरा दिमाग लगाकर, पूरी मेहनत और लगन के साथ जो है डैशबोर्ड रेडी किया जाता है, क्योंकि सारा जो है काम जो है चेसिस के ऊपर ही होता है। अगर चेसिस का पैनल जो है सारा का सारा स्केल जो है वो सही होगा तो तभी जो है बॉडी ऐसी बनती है। तो मैं इसी के साथ विक्रमजीत सिंह आपसे अलविदा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है हमारे चैनल को। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।